हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ उतनी ही ज़रूरत हमारी है जितनी अमेरिका की है। तालिबान, पाकिस्तान, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो वो दोनों के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आप संबंध क्यों ना रखते हो, वो दोनों के लिए जीत की बात है। कोई भी प्रधानमंत्री आके बैठेगा उस चेयर पे, साथ लोक कल्याण मांग में रहेगा, वो भी यही बातें करेगा हर भारतीय के लिए जाके कि उसको अपने अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है और बड़े मुल्कों से उनकी मदद लेनी है। कमला हैरिस ने तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात कह दी, बगैर भारत के कहे कमला हैरिस ने अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम ले लिया और कहा कि पाकिस्तान से आतंकी गुटों को शह मिल रही है। इससे बड़ी जीत भारतीय विदेश नीति की क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, कल आपसे चर्चा हुई थी और मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग बहुत ही मुश्किल हालात में हो रही है। हमको एंटिसिपेट करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें भारत और अमेरिका की ये जो नई दोस्ती है, नई हुकूमतों के बीच की दोस्ती है, ये रंग लाएगी। और कम से कम आज 24 घंटे के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो खबरें वॉशिंगटन से आ रही हैं, जो तस्वीरें वॉशिंगटन से आ रही हैं, वो इसी ओर इशारा करती हैं कि नेताओं ने अपने पास्ट को पीछे रख दिया है, आगे की चिंता कर रहे हैं। हम और आपकी चिंता कर रहे हैं, अपने नागरिकों की चिंता कर रहे हैं और साथ साथ दुनिया के उन लोगों की चिंता कर रहे हैं जो शांति प्रिय लोग हैं, जो शांति पसंद लोग हैं। मैं कुछ बातों के साथ अपनी बात को प्रूफ करना चाहता हूं। पहली बात तो जिस तरीके से राष्ट्रपति बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने ओवल ऑफिस में वेलकम किया, वो तमाम चीज़ें जो वो बातचीत है सब कैमरे के सामने बातचीत हुई है और लंबी दौर की बातचीत है, वो सारा कैमरे के माइक में ऑडियो रिकॉर्डेड है। वहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा है, वहाँ पे सीरियस टॉक भी हो रही है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज और कोरोना जैसे संजीदा मुद्दे भी हैं। तो वहाँ पर राष्ट्रपति बाइडेन एक हिंदुस्तानी महिला से शादी करने की इच्छा रखते थे, वो वाली बात भी है। तो इस सब के बीच में ये बातचीत हो रही है। ऐसे में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो पास था, कि जो कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को नज़दीकी कर लिया है, डेमोक्रेट्स दूर हो जाएंगे, बाइडेन के साथ नहीं पटेगी, वो सब चीज़ें पास्ट हो गई है। ये दो मुल्कों की दोस्ती की बात है, ये दो मुद्दों दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज़ के साथ चलने की बात है, ये साथ साथ कारोबारी रिश्ते बनाने की बात है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसीलिए दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने, चाहे वो मोदी साहब हों चाहे वो बाइडेन साहब हों, उन्होंने इस चीज़ को समझा और अतीत को पीछे रखकर एक नई दोस्ती की इबारत, जिसकी बात मैं कल से कह रहा हूँ, उसकी कम से कम नींव ज़रूर इस वॉशिंगटन की मीटिंग में रख दी है। कुछ लोग मैंने पढ़े सोशल मीडिया पे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मतलब मैं कभी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है, पर कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बगैर किसी का नाम लिए, मुझे किसी से कहीं कोई मतलब नहीं है। पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन बाहर नहीं आए। जब वो गाड़ी से उतरे हैं, राष्ट्रपति बाइडेन बाहर नहीं खड़े हैं, एक महिला उनका वेलकम कर रही है जो कि वहाँ की एक्टिंग प्रोटोकॉल ऑफिसर है, जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आप प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करें। तो कहा गया कि बाइडेन और मोदी के बीच अभी भी तनाव है, इसीलिए बाइडेन साहब मोदी साहब को रिसीव करने नहीं आए। दो तीन बातें जब आप विदेश नीति के बारे में करते हैं, खासकर डिप्लोमेसी के बारे में करते हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए, राजनीति का पत्रकार कहने के नाते या राजनीति का छात्र होने के नाते हमको कुछ निटी-गिटीज पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये सिर्फ बायलेटरल मीटिंग नहीं थी, ये यूएनजीए के लिए के साथ साथ जो क्वाड की मीटिंग रखी गई उसकी साइडलाइंस पर बायलेटरल मीटिंग थी। अगर बायलेटरल मीटिंग होती, सीधे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए होते या राष्ट्रपति बाइडेन हिंदुस्तान सीधे आए होते और उसके आसपास कोई और चीज़ नहीं होती, उस वक्त प्रोटोकॉल्स दूसरे होते हैं, उस वक्त आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। उस वक्त की जब विजिट होती है तो कोई बड़ा मंत्री नेता आपको रिसीव करता है, एयरपोर्ट पर भी और हर इवेंट पे भी जहाँ पे आपको पहुँचना होता है। और जब दो लीडर्स की बातचीत हो रही हो बायलेटरल वाली, वहाँ पर नेता बाहर निकलकर गर्मजोशी दिखाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, साथ बैठ के चाय पीते हैं, जैसा कि आपने हैदराबाद हाउस में बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें देखी थी आज से करीब 7-8 साल पहले, जैसे आपने ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैमराडरी देखी थी जब वो गुजरात के में आए थे रैली करने के लिए। ये सब चीज़ें बायलेटरल विजिट्स में ज़्यादा दिखाई देती हैं, इस तरह के दौरे में नहीं दिखाई देती हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस का जो कैमरामैन है, ऑफिशियल कैमरामैन, वो वीडियो भी सामने आया है। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गाड़ी से उतर रहे हैं तो एक्टिंग प्रोटोकॉल ऑफिसर उनको रिसीव करती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अंदर आते हैं व्हाइट हाउस में
अंदर आके एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर वो विजिटर बुक पे कुछ लिखते हैं। आई थिंक उनके रिमार्क्स लिखे जाते होंगे, अपनी इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो पहले उन्होंने विजिटर बुक पे लिखे। उसके बाद वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और फिर वो राष्ट्रपति बाइडेन वाले रूम की तरफ जाते हैं, जो कि ओवल ऑफिस जिसको कहा जाता है, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति बैठता है। उसके कार्यालय का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। ओवल ऑफिस के गेट पर आप देखेंगे राष्ट्रपति बाइडेन खड़े हुए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नहीं थे, गेट पे खड़े थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने के लिए। उन्होंने बाकायदा रिसीव किया, हाथ फैला के रिसीव किया। दोनों नेताओं ने बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, वेलकम कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको इस स्वागत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वो सब चीज़ें ऑडियो में बड़ी क्लियर हैं। तो इस बात को ना फैलाया जाए कि बाइडेन साहब से मोदी की बनी नहीं और बाइडेन साहब ने वेलकम नहीं किया। वो एक घंटे की वीडियो के सामने बातचीत सब मिथ्याओं को दूर कर देती है, उस डर को दूर कर देती है कि क्या दोनों के बीच पटेगी कि नहीं पटेगी। और जो मीटिंग एक घंटे शेड्यूल थी वो डेढ़ घंटे चलती है। समझिए इस बात को, कोरोना जैसे संजीदा मामले पे दोनों मुल्क एक साथ आने की बात करते हैं। समझिए इस बात को, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले वक्त में। आप देख सकते हैं अक्टूबर सितंबर के महीने में दिल्ली में बारिश हो रही है, ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा कर रही हैं। उस पर कैसे हम टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये दोनों मुल्क, दुनिया के दो सबसे बड़े मुल्क डेमोक्रेसीज, आपस में साथ मिलकर अगर काम करेंगी तो पूरी विश्व मानव जाति का भला होगा। तो एक तो ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस गलत बात को फैलाने की ज़रूरत कतई नहीं है कि दोनों के बीच ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो सकता है, भारत के विरोधियों का प्रोपेगेंडा हो सकता है। कम से कम हम जो तार्किक तौर पर बात करने वाले लोग हैं उनको इस तरह की बातों से बचना चाहिए। एक और चीज़ इससे मुझे याद आ गई, वो भी क्लियर कर देता हूँ। राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने के पहले प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई, जो कि 24 घंटे पहले की थी। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने फेसबुक पर लिखा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा कि पीएम से मुलाकात किए हुए कमला हैरिस को इतना टाइम हो गया है, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। जबकि आप उनकी टाइमलाइन पर जाके देखिए तो और राष्ट्रपतियों या राष्ट्र प्रमुखों के साथ जब वो मिलती हैं तो वो तुरंत ट्वीट कर देती हैं। मैं उन तभी महानुभावों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको डिप्लोमेसी की थोड़ी सी भी समझ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने के लिए है, व्हाइट हाउस में क्वाड की मीटिंग के लिए थी, ये दो बड़े इंगेजमेंट थे। उसके अलावा जितने इंगेजमेंट थे उस ऑफिशियल विजिट के दौरान वो उनके प्रोटोकॉल के तहत हुए। यानी कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, जो कि व्हाइट हाउस के ऑफिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो मिलती हैं अपने मेहमान से, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और जब विजिट चल रही है, कमला हैरिस से 24 घंटे के बाद राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात होगी मोदी साहब से, उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा गया और सब चीज़ें सामने आ गई। और जैसे ही दोनों के बीच मुलाकात खत्म होती है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ट्वीट कर देती हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, कैसी बातचीत हुई। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अब तक कमला हैरिस ने ट्वीट क्यों नहीं किया, इसका मतलब अब डेमोक्रेट्स पसंद नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कुछ तनाव चल रहा है या इस मीटिंग में कुछ खटास आ गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब प्रोटोकॉल के इशू होते हैं, इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और कमला हैरिस ने तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात कह दी, बगैर भारत के कहे कमला हैरिस ने अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम ले लिया और कहा कि पाकिस्तान से आतंकी गुटों को शह मिल रही है। इससे बड़ी जीत भारतीय विदेश नीति की क्या हो सकती है? और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत नहीं है, ये भारतीय विदेश नीति की जीत है। क्योंकि चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे उसके पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, सब लोगों ने लगातार कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान की धरती से पनपता है, हिंदुस्तान के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस चीज़ को अमेरिका में हिलरी क्लिंटन रही हों, बराक ओबामा रहे हों, बिल क्लिंटन रहे हों, राष्ट्रपति ट्रंप रहे हों या अब राष्ट्रपति बाइडेन, सबने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। तो इसीलिए उस विजिट पे, उस ट्वीट पे ये शक पैदा करना कि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट सक्सेसफुल नहीं है, मेरे ख्याल से इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेट हिम कम बैक,
इन मीटिंग्स के निचोड़ हमारे सामने आ जाएं, दोनों पक्षों के स्टेटमेंट आप पढ़ लें। ये कोई भारतीय राजनीति नहीं है, ये विदेश नीति है। ये यूपी और बिहार और बंगाल का चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये भारत 135 करोड़ भारतीयों की अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल है। क्योंकि अगर तालिबान, पाकिस्तान, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो वो दोनों के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आप संबंध क्यों ना रखते हो, वो दोनों के लिए जीत की बात है। कोई भी प्रधानमंत्री आके बैठेगा उस चेयर पे, सात लोक कल्याण मांग में रहेगा, वो भी यही बातें करेगा हर भारतीय के लिए जाके कि उसको अपने अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है और बड़े मुल्कों से उनकी मदद लेनी है। इसको कतई भी ये ना समझा जाए कि कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात असफल रही। कमला हैरिस भी ट्वीट कर चुकी हैं। और इन सब के बीच में क्वाड की मीटिंग के दौरान जिस तरीके से चारों मुल्कों ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका जो कि होस्ट कंट्री है, उसकी इस फिजिकल मीटिंग में जो आमने सामने की बैठक हुई उसमें जिस तरीके से चीन को घेरा गया, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर चिंता जताई गई, ये सब चीज़ें इशारा कर रहा है कि हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ उतनी ही ज़रूरत हमारी है जितनी अमेरिका की है। क्योंकि अमेरिका के भी बहुत इंटरेस्ट हैं इंडियन पैसिफिक खासकर समुद्रीय सीमा में, जो कि भारत से लगती है, जो कि अफगानिस्तान से लगती है, जहाँ पे चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। तो आने वाले वक्त में ये दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन है, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, कि एक दूसरे के नज़दीक आएँ, एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाएँ। और मैं तो एक लाइन आगे जाके और कहना चाहता हूँ कि अगर चीन को, भारत को लगाम में रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो भारत को रूस के साथ भी दोस्ती बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका 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 करें। तो हमारे लिए बाइडेन भी ज़रूरी है, हमारे लिए पुतिन भी ज़रूरी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के आज की तारीख में संबंध दोनों के साथ, पुतिन साहब के साथ भी, बाइडेन साहब के साथ भी, बहुत अच्छे अभी दिखाई दे रहे हैं। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो तीन देशों का समूह है, ये आने वाले वक्त में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश देगा। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।